इरफान और मकबूल दो दोस्त थे। मकबूल की चिकन बेचने की दुकान थी और इरफान फिलहाल के लिए बेरोजगार था। क्या हुआ दोस्त, आज भी नौकरी नहीं मिली? अब क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा जब एक नौकरी भी नहीं मिल रही। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब तो मुझ पे रुखसाना की भी जिम्मेदारी है। तुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी मेरे दोस्त, पर अब जब तूने शादी कर ही ली है तो काम बढ़ाना और ढूंढना ही होगा। तू तो जानता ही है कि किस हालात में मेरी शादी हुई है। अगर शादी नहीं करता तो रुखसाना के अब्बा उसका निकाह कहीं और कर देते, लेकिन अब निकाह के बाद इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। अरे इरफान, तू शवारमा बनाना जानता है ना? हाँ हाँ, तो शवारमा की दुकान क्यों नहीं खोलता? दुकान खोलने के लिए भी तो पैसे लगेंगे ही ना, वो कहाँ से लाऊंगा? मैं हूं ना, मैं तुझे कर्ज दूंगा, तेरा धंधा चल पड़ेगा तो लौटा देना। हाँ वो भी है। इरफान खुश अपने घर गया और रुखसाना को ये सारी बातें बता दी। अल्लाह का शुक्र है, आपको कोई रास्ता तो मिला। अब जल्द ही मेरे शवारमा की दुकान लगेगी, उम्मीद है अच्छी कमाई होगी और हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। होंगे ही, मैं दुआ करूंगी। मकबूल से पैसा कर्ज लेकर इरफान ने शवारमा की मशीन खरीद ली। वो मकबूल से ही चिकन लेने गया और उसकी शवारमा की दुकान शुरू हो गई। अरे भाई, एक शवारमा देना। हाँ हाँ, अभी लो। धीरे धीरे इरफान के शवारमा की दुकान पे कस्टमर्स की भीड़ लगने लगी थी। स्वाद तो बहुत अच्छा है भाई। होगा ही, सारे मसाले मैं घर पे ही बनाता हूँ। वाह बढ़िया, मजा आ गया भाई खाकर। इरफान खुश था कि उसके शौरमे लोगों को पसंद आ रहे थे। उसके ग्राहक बड़े चाव से शौरमा खाने आते थे। एक दिन घर पे बैठकर वो हफ्ते की कमाई गिन रहा था। 4,000 रुपए का मुनाफा हुआ है, इसमें से 2,000 रुपए हमारे घर के खर्च और सामान के लिए रखता हूँ और 2,000 रुपए मकबूल भाई का कर्ज लौटा देता हूँ। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही मकबूल भाई के सारे कर्ज चुकता हो जाएंगे। बिल्कुल। उस दिन इरफान ने मकबूल को कर्जे की पहली किश्त लौटा दी। लगता है तेरा धंधा बहुत अच्छे से चल पड़ा है इरफान। जी भाई, उम्मीद है ऐसे ही चलता रहे। हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, तू ऐसे ही मेहनत कर। हाँ भाई करूँगा। इरफान रोज शाम को अपने शौरमे की दुकान लगाता और उसके आते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाया करती थी। एक शौरमा देना, मुझे भी दो गार्लिक शौरमा पार्सल, मुझे भी एक शौरमा। जी अभी देता हूँ। दुकान खोलने से बंद होने तक इरफान के हाथ चलते रहते थे, कस्टमर्स आते ही रहते थे। हर दिन रात को 10 बजे इरफान दुकान बंद करता था और अपनी कमाई देखकर वो बहुत खुश था। जुबेर रोज इरफान के दुकान पर भीड़ देखा करता था। शोरमे के बिजनेस में बहुत मुनाफा है, मुझे भी शोरमे का बिजनेस डालना चाहिए। इरफान तो 80 रुपए में शोरमा बेचता है, मुझे इससे कम दाम में बेचना होगा, तभी लोग मेरा शोरमा खरीदेंगे। जुबेर गणित करने लगा कि वो कैसे शोरमा का दाम घटा सकता है। मुझे सस्ता चिकन ढूंढना होगा। और सस्ते चिकन की खोज में जुबेर कई चिकन की दुकानों पे गया, सभी जगह उसे वही दाम मिल रहा था। आखिर वो अकरम की शॉप में गया। अकरम बेईमान किस्म का आदमी था। अरे भाई, मुझे चिकन रोज 10 किलो चाहिए, पर दाम नहीं परवाह रहा। फिर तो एक ही रास्ता है। वो क्या? तू मरी हुई मुर्गियां खरीद ले, मरी हुई मुर्गियां तुझे 50 रुपए किलो से मिलेंगी। पर मरी हुई मुर्गियों से कोई नुकसान तो नहीं? अरे नहीं नहीं, टोलों में मरी हुई मुर्गियां ही तो जाती हैं। किसी का बाप नहीं समझ सकता कि जो मुर्गियां वो खा रहा है वो जिंदी काटी गई हैं या मरी हुई। लेकिन इससे सेहत पर कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे भाई कुछ नहीं होता, वैसे भी जब हम लोग मुर्गियों को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं
तो रास्ते में कुछ मुर्गियाँ दबकर मर ही जाती हैं। इन्हें खाने में कोई नुकसान थोड़ी ना है। ठीक है, तो हम सौदा पक्का करते हैं। तुम रोज मुझे 50 रुपए के हिसाब से 10 किलो चिकन देना। पक्का। जुबैर ने शौरमा बनाने की मशीन खरीद ली और फिर इरफान के शौरमे की दुकान के बगल में ही उसने अपनी दुकान खोल ली। जुबैर ने बड़े से फलक पर दाम लिखवा दिया। जुबैर 50 रुपए में शौरमा बेच रहा था। अब जब लोग वहां पहुंचे तो काफी लोग जुबैर का सस्ता दाम देखकर उसकी दुकान की ओर मुड़ गए, पर अब भी कुछ ऐसे ग्राहक थे जो इरफान की दुकान में ही शौरमा खाने आते थे। भाई, तुम्हारे शौरमे जैसा स्वाद नहीं है वहाँ, कुछ तो गड़बड़ है। उसे 50 रुपए में शौरमा परवड़ रहा है, इसलिए वो बेच रहा है। वो भी है, लेकिन जो लोग हमेशा खाते हैं वो तुम्हारे ही पास लौटेंगे। भाई, तुम फिक्र मत करो। हाँ, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। उस दिन इरफान मकबूल भाई से मिला। क्या हुआ इरफान, आज तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अब क्या बताऊं भाई, जुबैर ने शौरमे की दुकान खोली है और वो शौरमा 50 रुपए का बेच रहा है। इतना सस्ता कैसे? वही तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है भाई। जरूर वो कोई गोलमाल कर रहा है, हमें पता लगाना चाहिए, पर कैसे? चलो मेरे साथ। उस दिन इरफान और मकबूल ने जुबैर का पीछा किया। उन्होंने देखा कि जुबैर अक्रम चिकन वाले की दुकान में गया। अब समझा। क्या ये अक्रम एक नंबर का बेईमान है? ये जरूर जुबैर को मरी हुई मुर्गी का मांस सस्ते में बेच रहा है, पर ये तो अच्छा नहीं है। लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, अब हमें क्या करना चाहिए? दोनों सोचने लगे कि वो जुबैर और अक्रम को कैसे रोक सकते हैं। तभी मकबूल को याद आया कि उनके इलाके में एक फूड इंस्पेक्शन का ऑफिस है जहां फूड की कंप्लेंट की जा सकती है। हमें फूड इंस्पेक्टर ऑफिस में जाकर कंप्लेन करनी चाहिए। ठीक है। इरफान और मकबूल फूड ऑफिस गए और वहां उन्होंने बड़े ऑफिसर को जुबैर के बेईमानी की कंप्लेंट की। हमें उस शौरमे की जांच करनी होगी। फूड ऑफिसर जुबैर की शौरमा की दुकान पर पहुंचे और वहां रखे चिकन और रोटियों की जांच करने लगे। सर, कुछ सेटलमेंट करते हैं। तू लोगों की जान के साथ खेल रहा है और हमें रिश्वत देने की बात कर रहा है। ऑफिसर ने सैंपल्स लिए और टेस्ट किए। सर, ये चिकन खाने के लायक नहीं है, इसे खाने से सेहत बहुत जल्द खराब हो जाएगी, इसे पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस ने जुबैर को गिरफ्तार कर लिया और फिर अक्रम को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी को जुबैर की बेईमानी का पता चल गया और एक बार फिर ईमानदार इरफान की दुकान पर कस्टमर्स लौट आए। इरफान की मुश्किल हल हो गई थी और लालची शौरमा वाले जुबैर को उसके किए की सजा मिल गई। हमेशा याद रखिए, हर वो चीज जो सस्ती होती है वो अच्छी नहीं होती है। शौकत मियाँ की बिरयानी की दुकान थी, लोग बड़े चाव से उनकी बिरयानी खाया करते थे। वाह शौकत भाई, क्या जायका है। शुक्रिया शुक्रिया। बिरयानी का स्वाद अच्छा था इसलिए उनकी आमदनी बहुत अच्छी होती थी। शौकत मियाँ हर महीने 20,000 रुपए अपनी अम्मी के हाथ में रख देते थे। बेटा, अब जब तुम्हारी कमाई भी ठीक ठाक हो रही है, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा निकाह करवा दूँ। वैसे भी कब तक मैं अकेले घर का और पूरे परिवार का कारोबार संभालूंगी? तुम्हारे निकाह के बाद तो नदीम का भी निकाह होगा। अरे अम्मी, मैं तो अभी भी बच्चा हूँ, आप पहले भाईजान का ही निकाह करवाओ। ठीक है अम्मी, आपको जो लड़की पसंद हो वो मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी शौकत। शौकत की अम्मी ने उसके लिए एक लड़की ढूंढ ली, सना। सना पढ़ी लिखी थी और खाना भी जायकेदार बनाती थी। कुछ महीनों बाद शौकत और सना का निकाह हो गया और फिर सना ने घर के सारे काम संभाल लिए। बेटा, तुम्हारे हाथों के खाने का जायका ही अलग है। हाँ भाभी, पर
बिरयानी में भाईजान का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। हाँ वो तो है, अब वो तो तब पता चलेगा जब मैं उनके हाथों की बिरयानी खाऊंगी। भाईजान आज सबके लिए बिरयानी ले आना। ठीक है ले आऊंगा। शौकत की बिरयानी मशहूर थी, जब भी वो बिरयानी बनाया करता था बिरयानी की खुशबू आसपास फैल जाती थी और लोग खींचे चले आते थे। अरे भाई बिरयानी तैयार है क्या? नहीं भाईजान 10 मिनट और लगेगा। ठीक है मैं यहीं खड़ा हूँ। ग्राहक तो शौकत की बिरयानी का इंतजार किया करते थे। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर शौकत के बगल में ही एक नया बिरयानी का दुकान खुला, अमजद का। अमजद पुराना खानसमा था। अमजद की बिरयानी भी स्वादिष्ट थी और उसकी भी खुशबू आसपास फैल जाती थी। शौकत 100 रुपए में बिरयानी बेचता था, इसलिए अमजद 80 रुपए में बेचने लगा। ये अमजद मियां तो मेरा बैठे बिठाए धंधा खा रहे हैं, मुझे कुछ तो करना ही होगा, मैं भी दाम गिरा देता हूँ। शौकत ने भी बिरयानी का दाम घटाकर 80 रुपए कर दिया। रोज तो इसी दुकान से बिरयानी खाते हैं, चल आज उस नई दुकान से खाते हैं। ठीक है। कई ग्राहक बस नया स्वाद चखने के लिए अमजद की दुकान में जाने लगे, पर अमजद के हाथों में अलग ही जादू था। एक बार जो उसकी बिरयानी खाता वो उसी की दुकान में वापस आया करता था। कल जो बिरयानी खाई थी ना आज भी वही खाएंगे। हाँ बिल्कुल, उस बिरयानी को भूल ही नहीं सकता। धीरे धीरे शौकत के ग्राहक कम होते जा रहे थे। शायद ये बस कुछ ही दिनों की बात है, अमजद की दुकान नई है इसलिए लोग वहाँ बिरयानी का स्वाद चख रहे हैं। कुछ दिनों बाद मेरे ग्राहक लौट आएंगे। शौकत ने अपने आप को ये बात समझाने की कोशिश की, पर धंधे में नुकसान उसे सताए जा रहा था। अब घर पर भी वो अक्सर चिंता में रहा करता था। क्या हुआ शौकत, तू इतना परेशान क्यों है? अब क्या बताऊं अम्मी, मेरी दुकान के बगल एक और बिरयानी की दुकान खुल गई है। धीरे धीरे मेरे सारे ग्राहक वहीं जा रहे हैं। ऐसे चलता रहा तो एक दिन मुझे दुकान बंद करने की नौबत आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, ला मालिक है, हो सकता है ये बस कुछ ही दिनों की बात हो। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ अम्मी। शौकत परेशान था और ये बात पूरे परिवार को बुरी लग रही थी। उस रात सना ने शौकत से पूरा माजरा पूछा। तो अगर दाम करने की वजह से ग्राहक दूसरी दुकान में जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी दाम कम कर कर देखें? हम कैसे दाम कर पाएंगे बेगम, बिरयानी की एक प्लेट बनाने में लागत ही 50 रुपए की है और हम 80 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब बस 30 रुपए का मुनाफा है। अगर ये भी कम कर दिया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो क्या हम बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती नहीं खरीद सकते? बिरयानी में सबसे महंगा चावल है, लगभग बासमती चावल कैसे सस्ते मिल सकते हैं? अब मैं बासमती चावल को सादे चावल के साथ बदल तो नहीं सकता ना। अगर हम बासमती चावल को किसी और चीज के साथ बदले तो? मतलब मैगी। मैगी की बहुत सारी जायकेदार चीजें बनती है, अगर हम मैगी की बिरयानी बनाए तो हमारी लागत भी कम हो जाएगी। मैगी बिरयानी, ये पहली बार सुना है। आजकल अलग चीज ही बिकती है, एक बार कोशिश करके तो देखते हैं। ठीक है, वैसे भी अभी कुछ चल नहीं रहा है तो वही कर लेते हैं। अगले दिन शौकत ने रोजाना की तरह बिरयानी बनाई और इस बार उसने बासमती चावल के बदले मैगी डाले। मैगी की बिरयानी जल्दी बन गई और उसकी लागत भी कम थी, इसलिए शौकत ने दाम भी 50 रुपए कर दिए। बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, मैगी बिरयानी 50 रुपए। ये मैगी बिरयानी क्या होता है? मैगी पता है और बिरयानी भी पता है, पर मैगी बिरयानी आज तक नहीं खाई, चल आज वही खाते हैं। हाँ हाँ, मैगी बिरयानी का नाम पढ़कर कई ग्राहक उसकी बिरयानी खाने पहुँचे। वाह वाह बहुत अच्छी है, ऐसी मैगी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई, वो इसलिए क्योंकि ये मैगी नहीं मैगी बिरयानी है। वाह भाई ऐसा स्वाद कहीं नहीं चखा, शुक्रिया शुक्रिया। लोग शौकत की बिरयानी को बहुत पसंद कर रहे थे। उस दिन शौकत की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी।
भाई मैगी की बिरयानी तो चावल की बिरयानी से भी लाजवाब है। आज से हम रोज मैगी बिरयानी ही खाएंगे। शौकत खुशी खुशी घर गया और उसने ये खुशी की बात अपनी बेगम को बताई और वो भी खुश थी। उस महीने शौकत की बहुत अच्छी कमाई हुई। महीने के अंत में शौकत ने अपनी अम्मी को 40,000 रुपए दिए। इतना? हाँ अम्मी, सना की मैगी बिरयानी का आइडिया काम कर गया, दुगनी कमाई होने लगी है। एक बार फिर शौकत खुश रहने लगा। उसकी मुश्किलें हल हो गई क्योंकि उसकी आमदनी बढ़ने लगी। मैगी बिरयानी मशहूर हो गई। अंजू और सागर का परिवार दिल्ली के पास गोपालपुर नाम के गांव में रहता था। उसकी माँ स्कूल में आया की नौकरी करती थी और पिता बीमार होने की वजह से घर पे ही रहते थे। अंजू रिमोट दे, मैं फाइट देख रहा था, तू बीच में कहाँ से आ गई? पापा देखना जरा, मैं पानी पीने गया और इसने रिमोट ले लिया। पापा ये 2 घंटे से फाइट देख रहा है, मैं रिमोट नहीं दूंगी। तेरा सड़ा हुआ और बोरिंग नाटक रोजाना आता है, एक दिन नहीं देखेगी तो क्या हो जाएगा? आपस में लड़ो नहीं बच्चों, एक एक करके अपना अपना प्रोग्राम देख लो। तुम दोनों ने आज फिर लड़ाई शुरू कर दी। मम्मी आज आप बहुत जल्दी आ गई, क्या स्कूल आज भी बंद है? हाँ बेटा, स्कूल आज फिर बंद है, पता नहीं कभी खुलेगा भी या नहीं। लगता है ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। आज तुम लोग खाने में क्या खाओगे? मम्मी आज राजमा चावल बनाओ, आपके हाथ के राजमा चावल खाकर मजा ही आ जाता है। कुछ दिनों बाद अंजू और सागर की माँ की नौकरी छूट गई। अब क्या होगा माँ, क्या हम भूखे मर जाएंगे? नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते, हम कोई नया काम धंधा शुरू करेंगे। मम्मी दिल्ली चलते हैं और राजमा चावल का ठेला लगाते हैं। मेरे दोस्त राजू के पापा दिल्ली में छोले भटूरे का ठेला लगाते हैं। राजू बता रहा था कि उसके पापा हर महीने 40,000 कमा लेते हैं। लेकिन बेटा, घर पर तुम्हारे पापा का ध्यान कौन रखेगा? मम्मी तुम सागर के साथ दिल्ली चली जाओ, मैं घर पर पापा का ध्यान रखूंगी। सागर और उसकी माँ दिल्ली पहुँचे। उन लोगों ने एक ठेला बनवाया और एक व्यस्त सड़क पर राजमा चावल बेचने शुरू कर दिए। माँ राजमा चावल बनाती और सागर लोगों को आवाज लगाता। आइए स्वादिष्ट राजमा चावल खाइए, मात्र 20 रुपए की प्लेट, आइए राजमा चावल खाइए। कुछ दिनों में सागर के ठेले के पास राजमा चावल खाने वालों की भीड़ लगने लगी। सागर और उसकी माँ जहाँ अपना ठेला खड़ा करते थे, उसके ठीक पीछे एक शुद्ध शाकाहारी होटल था। होटल के मालिक सुमन रेड्डी ने जब देखा कि उसके होटल के आगे एक राजमा चावल बेचने वाली अच्छी कमाई कर रही है, तो उसे ईर्ष्या होने लगी। अगर ये राजमा चावल वाली और उसका बेटा इसी तरह कमाई करते रहे तो एक न एक दिन ये मेरी तरह होटल खोल लेंगे, मुझे किसी तरह इनका धंधा चौपट करना चाहिए। एक दिन सुबह सुबह सुमन अपने एक जान पहचान के पुलिस वाले के साथ सागर के ठेले पर पहुंचा। अपना ठेला यहाँ से हटाओ, तुमने मेरे होटल के सामने ठेला खड़ा किया है और तुम रोड भी जाम कर रही हो। इससे पहले कि सागर और उसकी माँ ठेला कहीं और ले जाते, सुमन ने ठेले में लात मारी और ठेला कुछ दूर जाकर पलट गया। सुमन के साथ एक पुलिस वाला भी था, इसीलिए सागर और उसकी माँ सुमन से कुछ नहीं कह पाए, वो आंखों में आंसू लिए रह गए। माँ मैं अभी जाकर सुमन का मुंह तोड़ दूंगा। नहीं बेटा, ये शहर है, हमारा गांव नहीं, पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, कानून हमेशा अमीरों की तरफ ही झुकता है, हम किसी दूसरी जगह ठेला खड़ा कर लेंगे। ठेला पलटने के कारण सारे राजमा चावल कीचड़ और मिट्टी में गिरने की वजह से खराब हो गए थे। माँ हमें नए राजमा चावल खरीदने पड़ेंगे। रोड पर एक राजमा चावल बेचने वाला आया। भैया राजमा और चावल कितने रुपए किलो दिए हैं? ले लो बहन जी, आपके लिए सस्ते लगा दूंगा।
सागर और उसकी माँ ने इकट्ठे 20 किलो राजमा और 20 किलो चावल खरीद लिए। अगले दिन उन्होंने नए राजमा चावल पकाकर जब एक कस्टमर को दिए तो कस्टमर ने बताया, आपके राजमा चावल में तो चिकन का स्वाद आ रहा है। राजमा चावल में चिकन का स्वाद, ये कैसे हो सकता है? सागर और उसकी माँ ने राजमा चावल खा कर देखे, उन्हें भी लगा जैसे वो स्वादिष्ट चिकन खा रहे हों। लोगों के बीच राजमा चावल में चिकन के स्वाद की बात फैल गई और दूर दूर से लोग सागर के ठेले पर आकर राजमा चावल का स्वाद लेने लगे। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अंजू को भी मदद के लिए बुलाना पड़ा। भला 20 रुपए के राजमा चावलों में चिकन का स्वाद कौन नहीं लेना चाहता? राजमा चावल में चिकन के स्वाद की बात सुमन तक भी पहुंची। इन लोगों ने जरूर चालाकी से राजमा चावल में चिकन मिलाया होगा। मैं भी अपने खाने में चोरी छुपे चिकन मिलाऊंगा और फिर मेरी बिक्री कई गुना बढ़ जाएगी। सुमन ने भी अपने शुद्ध शाकाहारी खाने में चिकन की मिलावट शुरू कर दी। एक दिन किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता सुमन के होटल में खाना खाने आया। उसे खाने में चिकन मिल गया। सुनो होटल के मालिक, ये क्या है? तुमने मेरे खाने में चिकन मिलाकर मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। नेता ने सुमन को पकड़कर उसकी खूब पिटाई की और सुमन का होटल बंद करवा दिया। उधर सागर के ठेले पर नॉनवेज खाने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन सुमन मजबूर होकर सागर की माँ के पास गया। बहन जी, मैंने आपके साथ जो भी किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा होटल चल नहीं पा रहा है, अगर आप मेरे होटल को खरीद लें तो मुझे खुशी होगी। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और कहीं और जाकर होटल खोल लूँगा। सागर और उसकी माँ ने सुमन का होटल खरीद लिया। माँ, आज हम जो भी हैं वो उस आदमी की वजह से हैं जिसने हमें जादुई राजमा चावल दिए थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लगता है वो ईश्वर के द्वारा हमारे लिए भेजा गया कोई फरिश्ता था। माँ, क्या फरिश्ते असलियत में होते हैं? पता नहीं बेटी, पर अनुभव से तो लगता है कि हाँ, होते हैं। मधुपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। शहर में एक मकान था। मकान में दो किराएदार फैमिली रहती थी, एक नंदा की फैमिली और दूसरी सुलोचना की फैमिली। नंदा अपने पति सुधीर और कुंवारी ननद सलोनी के साथ रहती थी और सुलोचना अपने पति निखिल के साथ। दोनों परिवारों में बहुत अच्छे संबंध थे, एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन नंदा की ननद सलोनी को देखने लड़का आया और उसे सलोनी पसंद आ गई। नंदा मेहमानों के लिए चाय बनाने लगी। चाय में चीनी डालने गई तो चीनी खत्म हो गई थी। हाय दया, चीनी खत्म? चाय को देर हुई तो महारानी के ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे, रिश्ता टूट जाएगा। फिर वो महारानी, नहीं नहीं, सुलू भाभी के घर से मांग के लाती हूँ। नंदा पिछले दरवाजे से सुलोचना के घर आती है और उससे चीनी मांगती है। चीनी तो हमारे घर नहीं है। क्या? शुभ शुभ बोलो भाभी, चाय नहीं पिलाई तो महारानी के ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे, रिश्ता तोड़ देंगे और महारानी मेरे सर पर बैठकर नाचने लगेंगी। ननद है ना, सहना पड़ता है। ऐसी बात है तो हमारा चम्मच ले जाओ। सुलोचना एक चम्मच लाई और नंदा को दे दिया। चम्मच देखकर नंदा कुछ समझी नहीं, इस चम्मच का मैं क्या करूं? किसी को बताना नहीं, ये जादुई चम्मच है। रसोई की किसी भी चीज का नाम लेकर बस इसे बर्तन में दो बार घुमाओ तो वो चीज चम्मच से गिर जाती है। क्या कह रही हो भाभी? फिर झंझट ही खत्म। थैंक यू भाभी। एक बात कान खोल के सुन लो, चम्मच दो बार ही घुमाना, ज्यादा घुमाया तो मांगी हुई चीज जहर बन जाती है। हाय दया, मैं ध्यान रखूंगी, चलती हूँ। नंदा घर आई और चीनी का नाम लेकर चम्मच दो बार घुमाया तो मैजिक हो गया, चाय के बर्तन में चीनी गिरने लगी। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है।
चाय पीकर मेहमान खुश हो गए। दो दिनों के बाद की तारीख फिक्स करके चले गए। शाम को सुलोचना चम्मच लेने आई तो नंदा बोली, भाभी आप तो जानती हो शादी में कितना खर्चा हो जाता है। मेहमान आएंगे तो उन्हें खिलाना भी पड़ेगा, अब हमारी इतनी हैसियत कहाँ। ये चम्मच रहेगा तो मदद हो जाएगी, शादी होते ही आपको लौटा दूंगी। सुलोचना मान गई और चम्मच छोड़कर चली गई। नंदा ने रात भर चम्मच घुमाया और शादी का सारा सामान निकाल लिया। रातों रात इतना सारा सामान कहाँ से आया? आप अपना काम कीजिए, रसोई में नाक ना घुसाइए। दो दिन बाद सलोनी की शादी हो गई और सलोनी मायके चली गई। सुलोचना दोबारा चम्मच लेने आई तो नंदा की नियत खराब हो गई। चम्मच तो मैं आपको जरूर दूंगी, लेकिन कल आपको निखिल जी के साथ चाय पीने आना होगा। कितनी मदद की है आपने हमारी, चाय तो बनती है। दूसरे दिन सुलोचना अपने पति निखिल के साथ चाय पीने आई। नंदा उनके लिए चाय बनाने लग गई। चाय बनाते बनाते उसे सुलोचना की बात याद आ गई। एक बात कान खुल के सुनो, चम्मच दो बारी घुमाना है, ज्यादा घुमाया तो मांगी हुई चीज जहर बन जाती है। ये चम्मच दो बार नहीं तीन बार घूमेगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। नंदा ने तीन बार चम्मच घुमाया और चम्मच से जहरीली चीनी चाय में गिरने लगी। वही जहरीली चाय नंदा ने सुलोचना और निखिल को पिलाई और दोनों को मार कर चम्मच हड़प लिया। कुछ दिन बीत गए। चम्मच की मदद से नंदा ने रसोई का वो सारा खर्चा बचा लिया जो हर महीने सुधीर नंदा को देता था। उसी बचे हुए पैसों से नंदा ने कामवाली रख ली और दिन भर महारानी की तरह आराम फरमाने लगी। एक दिन नंदा बुरी तरह से बीमार हो गई, हिल भी न सकती थी। बिस्तर पर लेटे लेटे उसे चाय की तलब लगी तो उसने कामवाली से चाय बनाने को कहा, लेकिन चीनी तो खत्म हो गई है। हे भगवान, लगता है तुम्हें चम्मच का राज बताना ही पड़ेगा। कौन सा चम्मच? वो जो आपने बिस्तर के नीचे छिपाया है, उसका क्या राज? नंदा ने बिस्तर के नीचे से चम्मच निकाल कर कहा, किसी को बताना मत, ये जादुई चम्मच है। रसोई की किसी भी चीज का नाम लेकर इसे बर्तन में दो बार घुमाओ तो वो चीज बर्तन में गिर जाती है। खाना तुम्हें ही बनाना है, बस इसीलिए बता रही हूँ। ये ले, इससे चाय बना। काम वाली नंदा की बात सुनकर चौंक गई और चम्मच लेकर जाने लगी तो नंदा ने उसे चेतावनी दी, और सुनो दो बारी घुमाना, तीसरी बार घुमाएगी तो चाय में चीनी नहीं जहर गिर जाएगा। काम वाली किचन में आई, उसने चीनी का नाम लिया और चम्मच दो बार घुमाया तो चम्मच से चीनी चाय में गिरने लगी। देखते ही काम वाली की नीयत बिगड़ गई। अगर यह चम्मच मेरा हो जाए तो काम करने की जरूरत ही क्या है। अब यह चम्मच तीन बार घूमेगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। काम वाली ने तीन बार चम्मच घुमाया और नंदा की चाय में जहर गिर गया। वो चाय पीकर नंदा तड़पने लगी। तुमने चम्मच तीन बार घुमाया ना, सच बोल। अब ये चम्मच मेरा है, टाटा बाय बाय। थोड़ी ही देर में नंदा तड़पती हुई मर गई और काम वाली चम्मच लेकर भाग गई।